नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस ई लेक्चर में डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट का ही प्रकार है। इसमें ऑपरेटिंग फील्ड परमानेंट मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न नहीं करके एक अन्य फिक्स कोइल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम और मूविंग सिस्टम परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होता है, जबकि इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग काम में ली जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में यूज किए जा सकते हैं, दोनों सर्किट के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये उपयंत्र अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर की तरह यूज किए जा सकते हैं, लेकिन महंगे होने के कारण इनको अधिकतर वाटमीटर की तरह ही काम में लेते हैं। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। जब करंट के कैरिंग मूविंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट कैरिंग फिक्स कोइल द्वारा उत्पन्न किया जाता है में रखते हैं, तो मूविंग कोइल की साइड्स पर एक फोर्स लगता है जिससे डिफ्लेक्शन होता है, मूविंग कोइल मूव करती है। ये उपयंत्र परमानेंट मैग्नेट टाइप उपयंत्रों की तरह ही होते हैं। इनमें अंतर यही है कि इसमें परमानेंट मैग्नेट की जगह एक फिक्स कोइल लेते हैं और उस कोइल में जब करंट फ्लो होता है तब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें ये फिक्स कोइल है, इसको दो बराबर भागों में बांटकर पैरेलल में एक दूसरे के पास रखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रखते, एक दूसरे के पास रखते हैं और इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। इसके दो पार्ट करते हैं, इक्वली दो पार्ट करते हैं और एक दूसरे के इसको पैरेलल में रखते हैं। इसके बीच में मूविंग कोइल माउंट रहती है स्पिंडल की सहायता से और इस से मूविंग कोइल से ये पॉइंटर जुड़ा रहता है। ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, कंट्रोल स्प्रिंग जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। ये कोयल्स एयर क्रॉड टाइप की होती है जिससे हिस्टेरेसिस इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके। इसकी वर्किंग देखते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग करंट इन कोइल में फ्लो होता है जिसके कारण कोइल्स के बीच में मौजूद बल से मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्ट होता है, जिससे मूविंग कोइल से जुड़ा पॉइंटर स्केल पे मूव करता है। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो फिक्स कोइल का फील्ड भी रिवर्स हो जाता है तथा उसके साथ साथ मूविंग कोइल में जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, जिससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डायरेक्शन सेम रहती है। इसलिए इन उपयंत्रों को एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज्ड एज अमीटर, अमीटर की तरह इसको कैसे काम में लेते हैं। ये फिक्स कोइल के दोनों पार्ट है, ये मूविंग कोइल है, इनको सीरीज में जोड़ते हैं और इस फिक्स कोइल को मूविंग कोइल के साथ सीरीज में जोड़ते हुए लोड के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं अमीटर की तरह यूज लेने के लिए। सीरीज में जोड़ने के कारण
इसमें मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल में सेम करंट फ्लो होता है। फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसका मान फील्ड फ्लक्स और मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई, या फाई फिक्स कॉइल में उत्पन्न फ्लक्स है और आई मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है। जो फ्लक्स फाई है वह भी जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सीरीज में मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल में दोनों में समान करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट फ्लो होने के कारण ही फ्लक्स डेवलप हुआ है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, इसलिए टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया, इसलिए इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म टाइप की होती है। अब देखते हैं यूज एज ए वोल्ट मीटर। इसको वोल्ट मीटर की तरह काम में लेने के लिए फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हुए इसके सीरीज में मूविंग कॉइल के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर जो ये करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वोल्ट मीटर के लिए टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अमीटर में जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, जिसको जिस करंट को मेजर करना रहता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। जबकि वोल्ट मीटर के अंदर टॉर्क जिस वोल्टेज को मेजर करना है उसके उस वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे IF करंट फ्लोइंग थ्रू फिक्स कोइल, फिक्स कोइल में प्रवाहित धारा का मान है। IM मूविंग कोइल में प्रवाहित धारा का मान है। तो जो टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा IF इंटू IM। अब IF और IM दोनों सेम हैं, क्योंकि ये दोनों कॉइल सीरीज में जुड़ी हुई रहती है, इसलिए TD प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल स्प्रिंग काम में ली गई है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, इसलिए TC प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो स्प्रिंग काम में ली गई है कंट्रोल स्प्रिंग काम में ली गई है, इसलिए TC प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। स्टेडी कंडीशन में TD इक्वल टू TC, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं कि ये स्क्वायर ऑफ करंट या स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म टाइप की होती है। अब देखते हैं डायनोमीटर टाइप वाट मीटर। वाट मीटर पावर मेजर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। डायनोमीटर वाट मीटर में जैसे पहले देखा था अमीटर और वोल्ट मीटर में, उसी तरह इसमें जो फिक्स कॉइल होती है इसको दो बराबर भागों में बांटकर पैरेलल में कुछ दूरी पर रखते हैं और उसके बीच में ये मूविंग कॉइल रहती है। ये फिक्स कॉइल जो है वो एयर क्रोड टाइप होती है, ताकि हिस्टेरेसिस इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके। फिक्स कॉइल को
लोड के साथ, ये फिक्स कोइल है, इसको लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये जो फिक्स कोइल है इसको लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे और ये लोड करंट जो सर्किट का करंट होता है उसको वहन करती है, उस करंट को कैरी करती है, इसलिए इसको करंट कोइल भी कहते हैं। मूविंग कोइल इन दोनों फिक्स कोइल के बीच में लगी हुई रहती है और ये स्पिंडल पर माउंटेड रहती है। इसके साथ में ये पॉइंटर जुड़ा हुआ रहता है, ये कंट्रोल स्प्रिंग है। मूविंग कोइल लोड के पैरेलल में या सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, ये लोड या सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको। और ये कोइल जो वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल करंट को कैरी करती है मूविंग कोइल, इसलिए इसको पोटेंशियल कोइल भी कहते हैं। ये जो मूविंग कोइल है ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट को कैरी करती है, इसलिए इसको पोटेंशियल कोइल भी कहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें काम में लेते हैं और डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन टाइप की डैम्पिंग इसमें काम में लेते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जब पावर मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को इस सर्किट के अनुसार कनेक्ट करते हैं, ये एम सिरा है, एम को सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ये इसका एल सिरा है जो लोड से कनेक्ट होगा, एम और सी कॉमन को शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज से जो सप्लाई का वी वाला सिरा है उसको कनेक्ट करते हैं और ये लोड वाले को, ये कॉमन पॉइंट होते हैं इसके। तो सर्किट के अनुसार इसमें जब कनेक्ट करके पावर मेजर करने के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, तो करंट कोइल सीरीज में कनेक्ट रहती है और लोड करंट को वहन करती है, और पोटेंशियल कोइल पैरेलल में कनेक्ट रहती है और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट को वहन करती है। फिक्स कोइल के द्वारा उत्पन्न फील्ड, FF और मूविंग कोइल के द्वारा उत्पन्न फील्ड FM के कारण मूविंग कोइल पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, जिससे मूविंग कोइल के स्पिंडल से जुड़ा पॉइंटर स्केल पे मूव करता है और डिफ्लेक्शन को कंट्रोलिंग टॉर्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल स्प्रिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एसी सिस्टम में जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो दोनों कोइल में एक साथ रिवर्स होती है, जिससे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसमें कोई भी, उसकी डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसका मूविंग सिस्टम हमेशा सेम रेंज में रहता है। इसलिए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर को एसी तथा डीसी दोनों में काम में ले सकते हैं। अब इसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन देखते हैं, एसी और डीसी दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं इसको। पहले डीसी के लिए वी वोल्टेज अक्रॉस द लोड है या सप्लाई वोल्टेज है, और आई करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कोइल है। करंट कोइल जो फिक्स कोइल होती है वो करंट कोइल भी कहलाती है, जैसे पहले अपन ने देखा था। तो जो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस बाय फिक्स कोइल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, और जो पोटेंशियल कोइल में जो करंट फ्लो होता है
वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी डी प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आई, और टी डी प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आई पावर हो गया। स्टेडी कंडीशन में टी सी इक्वल टू टी डी, यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल टोर काम में लिया गया है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग काम में ली गई है कंट्रोलिंग टोर के लिए, इसलिए टी सी प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। तो टी डी प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, तो पावर प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जो डिफ्लेक्शन है थीटा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पावर के। इसलिए वाट मीटर के अंदर डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की स्केल यूनिफॉर्म रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है। अब एसी सर्किट में पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। वी इसका प्रेशर कोइल का तात्क्षणिक वोल्टेज है, और आई करंट कोइल का तात्क्षणिक करंट है, धारा है। कोस फाई लोड का पावर फैक्टर है जो लेगिंग है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी है, वो एवरेज ऑफ वी इंटू आई के बराबर होगा। वी की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी, और ये करंट इससे 5 डिग्री लेगिंग है, इसलिए ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी -5। अब इसको सोल्व करेंगे 2 sin A B के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 2 cos A - B प्लस cos A - B -cos A+B। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने जैसे बताया 2 sin AB की थी, तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो Vm Im/2 cos, A की वैल्यू है ओमेगा टी और B की वैल्यू है ओमेगा टी -5। A माइनस B करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और ये +5 आ गया। -cos A+B करेंगे तो ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये इसकी आरएमएस वैल्यू लिख दी, Vm/√2, और Im/√2 को Vm/√2 को V लिख दिया और Im/√2 को I लिख दिया। तो ये हो गया Vi cos φ -Vi cos 2 ओमेगा टी -5। अब इसका एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए ये कंप्लीट साइकिल में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई Vi cos φ। टी डी प्रोपोर्शनल टू Vi cos φ, और Vi cos φ क्या होता है? एसी के अंदर पावर होता है, तो टी डी प्रोपोर्शनल टू पावर हो जाएगा। स्टेडी कंडीशन के अंदर टी सी इक्वल टू टी डी हो जाएगा, और टी सी क्योंकि कंट्रोल स्प्रिंग काम में ली गई है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, इसलिए टी सी प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा और थीटा प्रोपोर्शनल टू पावर हो जाएगा। इस प्रकार एसी के अंदर एसी वाट मीटर की स्केल भी यूनिफॉर्म टाइप की होती है, तो जो वाट मीटर है उसको एसी और डीसी दोनों में काम में ले सकते हैं। इन उपयंत्रों को एसी तथा डीसी दोनों में काम में ले सकते हैं। इनकी वाट मीटर की स्केल यूनिफॉर्म रहती है, जबकि एमीटर और वोल्ट मीटर की स्केल नॉन यूनिफॉर्म रहती है। ये इक्विपमेंट महंगे होते हैं और इन इक्विपमेंट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। धन्यवाद।